हेलो दोस्तों, नमस्ते। अर्चना का किचन में स्वागत है। आज मैं पालक दाल बनाने वाली हूँ। पालक दाल बनाने के लिए मैं 150 ग्राम दाल, अरहर की दाल ली हूँ, 150 ग्राम पालक, 3 टमाटर और 3 प्याज, 2 चम्मच इमली, 1 चम्मच सरसों, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच चना दाल और 4 मिर्ची, दरदरा लहसुन, 2 सूखा मिर्ची, थोड़ा सा हींग और करी पत्ता मैं तड़का में डालने वाली हूँ। दाल को 2 पानी से धो लिए थे तो कुकर में डाल देते हैं दाल को। कुकर में 1.5 गिलास पानी डालेंगे, 1/2 गिलास और डाल देते हैं। पालक भी डाल देते हैं, 1 चम्मच हल्दी डालेंगे, 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर डालेंगे। इसको मिला लेंगे और 3 सीटी आने तक ढक्कन बंद करके 3 सीटी आने तक इसको पका लेंगे। हम ऑन कर देते हैं, 3 सीटी आने तक इसको पका लेंगे। 3 सीटी मेरा आ चुका है तो मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। गैस पे कढ़ाई रख लेते हैं और गैस का फ्लेम ऑन कर देते हैं। तेल मेरा गर्म हो चुका है तो 4 चम्मच तेल डाल देंगे। तेल मेरा बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है तो अब तड़का मैं डाल देती हूँ। कड़ी पत्ता, थोड़ा हींग भी डाल देंगे, लहसुन भी डाल देंगे, हरा मिर्ची, इसको अच्छे से मिला लेते हैं। हो गया है, प्याज इतना ही भुनना है तो उसमें अब टमाटर डाल देंगे। अब टमाटर डाल देंगे, जितना प्याज पकाया है उतना टमाटर पकाएंगे। अच्छे से मिला लेंगे, दाल में भी हल्दी डाले थे इसलिए कम हल्दी डालेंगे, दाल में भी नमक डाले थे इसलिए एकदम थोड़ा सा नमक देंगे टमाटर को सॉफ्ट करने के लिए। मिला देती हूँ, 2 मिनट के लिए इसको कवर करेंगे। प्रेशर मेरा निकल चुका है तो अब ढक्कन खोल के देख लेते हैं। दाल मेरा बहुत अच्छे से पक गया है, इसको थोड़ा सा मैश करेंगे। दाल मेरा मैश हो चुका है, ढक्कन हटा के मसाला को चेक कर लेते हैं एक बार। चला लेते हैं इसको अच्छे से, को और 1 मिनट पका लेंगे। ढक्कन हटा के देख लेते हैं, मेरा मसाला भून चुका है। मसाला भून चुका है तब दाल को डाल देते हैं। अच्छे से मिला लेंगे और इसमें अब इमली डालेंगे। और पानी डालेंगे, थोड़ा सा और पानी डालेंगे। इस तरह का रखना है हमको। सा धनिया पत्ता डालेंगे, इसको 2 मिनट के लिए पकाएंगे ढक्कन लगा के। ढक्कन हटा के देख लेते हैं, दाल मेरा पक चुका है। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब मैं सर्व करके दिखाती हूँ। दाल मेरा बन चुका है, अब सर्व कर लिए। ये बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट है दोस्तों। इस तरह का दाल बनाएंगे पालक डाल के तो बच्चा खाना बहुत पसंद करता है। मेरी रेसिपी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।